भाई अभी तक हमने देख लिया है कि सीनियर खिलाड़ी क्या केपेबल हैं, अब देखते हैं कि यंगस्टर्स शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ, जिनका बहुत नाम हो रहा है भारतीय क्रिकेट के अंदर, कि ये कैसा करेंगे बैटिंग के अंदर। पर यहाँ पे सिद्धार्थ, जो टेस्ट हुआ वो बैटिंग का भी हुआ है और बॉलिंग का भी हुआ है। बात कर रहे हैं यहाँ पे हम मैच 4 की, जो खेला गया ब्लू ब्लास्टर्स और ऑरेंज चार्जर्स के बीच। देखिए, जो आईबी क्रिकेट लीग है, हमने लिखा है क्रिकेट का असली मजा। असली मजा तो भैया टीनेजर्स ही उठाएंगे। ये वाला जो फॉर्मेट है ये इन्हीं के लिए बना हुआ है। एंड व्हाट अ मैच वी सॉ शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ के बीच। और पृथ्वी शॉ यार, हम पहले भी कहते थे दैट डेब्यू करना है तो पृथ्वी शॉ की तरह करें। इस मैच में भी क्या सेंसेशनल डेब्यू किया है पृथ्वी शॉ ने। और मैं यही कहना चाहता हूँ, पृथ्वी शॉ इज नॉट ओनली अ स्टार ऑन द फील्ड, वर्चुअल क्रिकेट में भी एक बहुत ही बड़े स्टार होने वाले हैं। सिद्धार्थ, मैंने वाला मैच देखा और इसके अंदर पृथ्वी शॉ ने पहले बैटिंग करी। शुभमन गिल की लाइन एंड लेंथ थोड़ी सी खराब रही, मेरे को लगता है कि आगे पिच इन्हें बहुत ज्यादा कर दी बॉल, और उस वजह से 3-4 चौके लग गए, छक्के लग गए। नहीं, आई मीन दैट दिस इज द शियर टैलेंट ऑफ पृथ्वी शॉ। आई मीन मैं कहना चाहता हूँ कि व्हाट अ स्टार्ट ही मेड। पहले बॉल 4 राइट थ्रू डीप एक्स्ट्रा कवर, एंड द सेकेंड बॉल शियर क्लास, फुल बॉल था पैड्स पे और पृथ्वी शॉ का टाइमिंग गजब था, इट वेंट फॉर अ 6। सिद्धार्थ, ये इस पूरी लीग का पहला छक्का था शायद? नो, ब्रेंडन मैकलम ने एक 6 मारा था, याद रखिए। तो पृथ्वी शॉ ने एक 6 मारा, एक डॉट बॉल हुआ, लेकिन जो 5th बॉल में उन्होंने मारा था ओवर फाइन लेग, ऑफकोर्स थोड़ा एज था, इनसाइड एज था, लेकिन ऑल रन्स काउंट यार, 16 रन्स पृथ्वी शॉ, द हाईएस्ट एवर जो आईबी क्रिकेट लीग के सो फार हुआ है। हैट्स ऑफ पृथ्वी, व्हाट अ परफॉर्मेंस, सीरियसली अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। तो टारगेट रहा यहाँ पे 17 का। शुभमन गिल से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाला टारगेट उन्होंने बहुत आसानी से चेस कर लिया होगा, क्योंकि सिद्धार्थ मैं देख रहा था वीडियो के, इसके अंदर वीरेंद्र सहवाग ने एक वाली बात बोली थी कि शुभमन 3 छक्के लगा के मैच खत्म कर दो, तो क्या ये हुआ या नहीं? यार देखिए, शुभमन इज इंडियाज अंडर 19 स्टार। वर्ल्ड कप में इन्होंने ही बढ़िया खेला था, तभी हम जीते थे अलॉन्ग विद पृथ्वी शॉ। सो अंडर 19 खिलाड़ियों के बीच काफी हेल्दी कॉम्पिटिशन रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पृथ्वी शॉ गॉट द बेटर ऑफ शुभमन गिल। इस बार मैं आपको कहना चाहता हूँ, द फर्स्ट 3 बॉल्स जो थे दे वर द क्लिंचर। पृथ्वी शॉ का गजब कैप्टनसी भी रहा, याद रखिए, ही इज अ ब्रिलियंट कैप्टन ऑल्सो। तो पृथ्वी शॉ ने 3 बॉलों में सिर्फ 3 ही रन अलाउ किया, सो द गेम वॉज अप उस वक्त। शुभमन ने थोड़ा ही ट्राइड टू कीप द गेम इन द हंड, एक 6 मारा, उन्होंने भी एक 6 मारा। थर्ड गेम ऑफ दिस लीग, वही, और एक मैच में दो दो सिक्सेस, मतलब इट्स अ साइट। तो मतलब आई अगेन सेट द पॉइंट, क्रिकेट का असली मजा जो है सिर्फ यंगस्टर्स ही करेंगे। एंड पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, भले ही शुभमन लॉस्ट बाय 7 रन्स। ब्लू ब्लास्टर्स जो है हार गए बाय 7 रन्स टू ऑरेंज चार्जर्स, लेकिन इट वॉज द मैच ऑफ द टूर्नामेंट मेरे हिसाब से। चलो भाई, मैच ऑफ द टूर्नामेंट कह रहे हैं सिद्धार्थ, ब्लू ब्लास्टर्स अपने 2 मैच हार गए हैं। पहला मैच हारे वीरेंद्र सहवाग, दूसरा मैच हारे शुभमन गिल। वहीं पे ऑरेंज चार्जर्स ने एक बहुत बढ़िया यहाँ पे बढ़त ले ली है, पहला मैच जीते वीवीएस लक्ष्मण, और उन्हीं के कदमों पे चलते हुए पृथ्वी शॉ ने भी जीत दर्ज कर ली है। देखते रहेंगे कि क्या रहता है आगे वाले मैच के लिए। अभी के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।